हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और नए कंपैरिजन वीडियो में। दरअसल आज का यह कंपैरिजन वीडियो अरेबिक लीग के ऐसे दो देशों के बीच में होगा जो साइज में तो काफी छोटे हैं, लेकिन अमेरिकी मामले में इनका कोई जवाब नहीं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कतर एंड यूएई के बीच का शानदार अंतर। कतर का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है। यूएई का ऑफिशियल नेम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। कतर की पॉपुलेशन 2022 में 28 लाख है, जो वर्ल्ड का 139 नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। यूएई की पॉपुलेशन 2022 में 1.01 करोड़ पीपल है, जो वर्ल्ड का 92nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। कतर मिडिल ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड कंट्री है, जिसका टोटल सरफेस एरिया 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है, जो सरफेस एरिया वाइज वर्ल्ड का 158 नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें आती हैं ओनली 8 म्युनिसिपैलिटीज। यूएई मिडिल ईस्टर्न या फिर कह लो वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड कंट्री है, जिसका टोटल लैंड एरिया 83,600 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स आते हैं। कतर की लैंड बाउंड्री 87 किलोमीटर तक सऊदी अरेबिया के साथ में लगती है, जबकि इसकी कोस्ट लाइन 563 किलोमीटर लंबी है। यूएई की लैंड बाउंड्री 609 किलोमीटर तक ओमान जैसे कंट्री के साथ में, जबकि 457 किलोमीटर तक सऊदी अरेबिया के साथ में लगती है। इसकी कोस्ट लाइन 1318 किलोमीटर तक लॉन्ग है। कतर की 99.3% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, जबकि कतर का रिलीजन देखें तो 65.2% मुस्लिम, 13.7% क्रिश्चियनिटी, 15.9% हिंदुइज्म, 3.8% बुद्धिस्ट एंड अदर रिलीजन के लोग कतर में रहते हैं। यूएई की 87.3% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है, जबकि यहाँ पर रिलीजन को देखें तो 76% मुस्लिम्स, 9% क्रिश्चियनिटी, 7.5% हिंदुइज्म, 1.8% बुद्धिस्ट एंड दूसरे धर्मों के लोग यूएई में आपको देखने को मिल जाएंगे। कतर का कॉलिंग कोड +974, ड्राइविंग साइड राइट, इंडिपेंडेंस डे 3 सितंबर 1971, जबकि कतर की करेंसी है कतारी रियाल। यूएई का कॉलिंग कोड +971, ड्राइविंग साइड राइट, इंडिपेंडेंस डे 2 दिसंबर 1971, जबकि यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। चलिए दोस्तों जीडीपी को देखते हैं। तो आज 2022 में कतर की नॉमिनल जीडीपी 210 बिलियन डॉलर्स की, जीडीपी पीपीपी 273 बिलियन डॉलर्स, जबकि नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है 62,088 यूएस डॉलर्स का। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो कतर नॉमिनल जीडीपी वाइज 54th नंबर पर, पीपीपी वाइज 60 नंबर पर, जबकि पर कैपिटा वाइज दुनिया का 10th नंबर का कंट्री है। यूएई की नॉमिनल जीडीपी आज 2022 में 420 बिलियन डॉलर्स, जीडीपी पीपीपी 664 बिलियन डॉलर्स, जबकि नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 43,103 यूएस डॉलर्स का है। रैंकिंग की बात करें तो यूएई नॉमिनल जीडीपी वाइज वर्ल्ड में 29th, पीपीपी वाइज 33 एंड पर कैपिटा वाइज 24th रैंक पर स्टैंड करता है। कतर की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक एंड कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जबकि कतर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर खालिद बिन खलीफा एंड एमिर मिस्टर तमीम बिन हमद अल थानी हैं। यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज भी अरेबिक है, जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। दोस्तों कतर की नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है डोहा, जबकि दूसरी मेजर सिटीज में दुकान, अल वाकरा, अल खोर, अल रयान एंड सलाल मोहम्मद शामिल है। दोस्तों यूएई की कैपिटल सिटी है अबू धाबी, जबकि लार्जेस्ट सिटी दुबई है, जबकि दूसरी मेजर सिटीज में अल शारजा, अजमान, फुजायरा, अल कुवैन, अल ऐन और रस अल खाइमा सिटीज शामिल है। कतर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.848, लिटरेसी रेट 93.46%, जबकि सेक्स रेशियो 3150 मेल्स पर 1000 फीमेल्स है। यूएई का एचडीआई 0.890, लिटरेसी रेट 93.23%, जबकि सेक्स रेशियो 2275 मेल्स पर 1000 फीमेल्स है। दोस्तों कतर की फेमस टूरिस्ट साइट्स में म्यूजियम ऑफ आर्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, कतारा कल्चर विलेज, द पर्ल कतर, द कॉर्निच विलेजियो एंड पर्पल आइलैंड शामिल हैं। यूएई की बेस्ट टूरिस्ट साइट्स में बुर्ज खलीफा, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क्यू सेंटर, द दुबई फाउंटेन, एल मोंटेजा पार्क, जेबल जेस एंड द दुबई मॉल शामिल हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।